धार जिले के पीथमपुर में राधा कृष्ण मंदिर के सामने राजस्व की टीम निरीक्षण करने पहुंची, जहां लॉकडाउन की अनियमितता पाई गई। सैकड़ों की संख्या में भीड़ भाड़ जुटी हुई थी। शासन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। शासन ने सुबह 7 बजे से 9 बजे तक किराना फल सब्जी की दुकानें खोलने का आदेश दिया था, लेकिन मिश्रा किराना के संचालक राजेंद्र मिश्रा ने शासन के नियमों को दरकिनार करते हुए लॉकडाउन के बाद प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक दुकान खोल कर रखते हैं, जिस पर कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी। धार कलेक्टर के निर्देश पर SDM सत्यनारायण दर्रे ने तहसीलदार विनोद राठौर को निरीक्षण की अनुमति दी। टीम गई, टीम ने पंचनामा बनाया और दुकान को सील कर दिया। पीथमपुर से संजय सोनकर की रिपोर्ट। बताएं सर, कौन सी कार्रवाई हुई आज अभी? कंट्रोल रूम से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। इसमें मैं मिश्रा किराना स्टोर जयनगर पीथमपुर पर आया गया और इसमें लॉकडाउन का उल्लंघन होना पाया गया इनके द्वारा, और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ थी, जिसका पंचनामा बनाया गया और विस्तृत प्रतिवेदन शासन को अवगत कराया जाएगा। और सर, पंचनामा किस प्रकार का बनाया सर? पंचनामा में सोशल डिस्टेंसिंग का ही लिखा गया कि इनके द्वारा उल्लंघन किया गया। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में इन्होंने भीड़ की थी और इसका समय जो है सुबह 7 से 9 बजे तक का ही है, बट इनके द्वारा सुबह या दोपहर के 4 बजे तक भी दुकान चालू। कुछ गाड़ियां भी आई थी, इनकी परमिशन थी क्या? इसने हिंदुस्तान पर उसकी थी, तो इसकी परमिशन थी। अच्छा। वो फिर वो उनका जो है बाहर से आती है, तो इसलिए उसका परमिशन थी। सर, इन पर जो ये पंचनामा बना, किस प्रकार की कार्रवाई होगी सर इन पर? ये शासन का अवगत कराने पर तहसीलदार साहब और SDM साहब निर्णय लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।